तो क्या जवान का स्टोरी यहीं पर ही खत्म है? क्या जवान 2 नहीं आएगा या फिर जवान यूनिवर्स का क्या क्रिएट होगा या नहीं? तो गाइस चलिए इन सारी बातों को जवाब हम आज देने वाले हैं। तो गाइस मेरा नाम है देव, तू कौन है बोल दे। दास। यस। सो गाइस आज हिंदुस्तान में एक एक बंदे बंदी का मुंह में सिर्फ है जवान जवान जवान। ठीक है गाइस, हर एक रोज, ठीक है, 100 करोड़ से भी ऊपर कमा रहा है हमारा जवान। बॉक्स ऑफिस पूरा एकदम फट रहा है, पैसों की भंडार से बॉक्स ऑफिस ऐसे करके फट रहा है। ठीक है, जवान जवान हर तरफ देखो तो जवान ही जवान। ठीक है, सब जवान, बूढ़ों से लेके बच्चों तक सब जवान। हाँ, तो क्या जवान का पार्ट 2 भी आएगा? सो गाइस कल, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा ट्वीट आया था। हाँ, तो गाइस मैं वो ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। अजय पाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने SRK को टैग करके एक ट्वीट किया था, जहाँ पर वो लिखे थे कि सर काली के साथ डील क्यों नहीं कर रहे, आई एम अ बिग विजय सेतुपति सर फैन। उसके जवाब में, ठीक है, SRK ने रीट्वीट करके लिखा, आई एम अ बिग फैन ऑफ विजय सर 2, पर काली का काला धन तो ले लिया, अब देखो दूसरों को भी स्विस बैंक से लेकर आता हूँ, बस वीजा का ही वेट कर रहा हूँ, हा हा। ठीक है, तो ये था ट्वीट। ये ट्वीट था क्या? ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। यस, जवान 2 आ रहा है। यस, ठीक है, जिसका ऐलान हो चुका है। और आप तो देखे ही हैं, ठीक है, पोस्ट क्रेडिट सीन भी था एक शायद, जहाँ पर वहाँ पर बोल रहा था जो आजाद था, ठीक है, वो विक्रम राठौर को, यानी कि उसके बाप को बोल रहा था कि पापा चलिए बहुत हो गया छुट्टी बुट्टी, ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, काम पे लगते हैं, ठीक है, वहीं पर संजय दत्त आके बोल रहा था। तो गाइस मैं पहले इस ट्वीट पर आना चाहता हूँ, हाँ, कि काली का तो काम तमाम हो गया, ठीक है, काली का, लेकिन देश में तो सिर्फ काली नहीं है, काली जैसा बहुत सारे लोगों भी काला धन है, उनका भी काला धन निकाल के आना चाहिए ना, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सो गाइस इसलिए जवान 2 आएगा, ठीक है, और ये मैं 100% लिख के देता हूँ, जवान 2 आएगा। हाँ, क्योंकि मूवी का इतना सक्सेस रेट देख के भाई जवान 2 आएगा, और जहाँ पर स्टोरी खत्म हुआ है जवान का, वहीं से ही जवान 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, और शायद हम जो सोच रहे हैं कि जवान यूनिवर्स भी क्रिएट होगा, ठीक है, वो भी टाइम श्योर हो सकता है। जानता है ये एटली का एक खासियत है क्या? उसके हर फिल्म का लास्ट में लगता है उसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन नहीं आता। नहीं, मैं ये भाई दावा कर रहा हूँ कि आएगा, जवान 2 आएगा, ठीक है, और आना चाहिए भाई, आना चाहिए, ये हम जैसे जवान के, ठीक है, फ्यूचर की बात है, ठीक है, जवान 2 आएगा। स्विस बैंक में तेरा अकाउंट है? नहीं। तो गाइस और जो हम सुन रहे थे कि जवान में थलापति विजय का कैमियो होगा, ठीक है, तो उस जगह थोड़ा निराशा लगा, ठीक है, क्योंकि कैमियो नहीं हुआ, हम सोचे थे कि कैमियो होगा। मत बोलो और मत दिल दो, ठीक है, वहीं पर ही एक दिन लगा, लेकिन अच्छा लगा। पार्ट 2 में आएगा, कोई ना कोई आएगा पार्ट 2 में। हाँ, पार्ट 2 में नहीं, अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन किसी को तो किसी को लाएगा। हाँ, लाएगा, कैमियो होगा। हाँ, और गाइस अब आते हैं, ठीक है, शाहरुख खान के डायलॉग्स के, कुछ रियलिस्टिक डायलॉग्स के जो उन्होंने जवान में यूज किया था। बोलो क्या? ऑल वर्क नो जॉय मेक ए हैंडसम डल बॉय, उन्होंने जवान पे बोला था, ठीक है, कि वो पहला ही डायलॉग था कि, ठीक है, वो बोलना एक राजा था, ठीक है, जो जंग विजय सेतुपति का डायलॉग था, ठीक है, जो भाई को बोल रहा था। अरे ट्रेलर में तो वो दिखाएगा ना। अच्छा, ठीक है, और जो जंग हारता गया, ठीक है, ऐसा करके। तो गाइस कुछ साल पहले चलते हैं, ठीक है, जबकि 5 साल पहले, जबकि SRK मूवी रिलीज होता था, लेकिन उनके जो भी मूवी आता था, ठीक है, वो सब फ्लॉप जा रहा था, ठीक है, कोई भी ऐसे हिट, लास्ट हिट उनका मूवी था जवान से पहले चेन्नई एक्सप्रेस, लास्ट हिट वाला मूवी। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस, उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस के बाद और कुछ भी मूवी हिट नहीं चल रहा था, ठीक है, और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज, ठीक है, वो उनके जो बेटे के जो इश्यूज थे, हाँ, वो लेके, ठीक है, वो बहुत ही ऐसे बहुत ही खामोश रहते थे, ठीक है, उतना भी उनको नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन भाई जो शेर होता है ना, तो शेर ऐसे ही होता है, ठीक है, वो शेर जब छलांग लगाएगा ना,
ठीक है, उससे पहले दो पैर पीछे हटता है, उसके बाद छलांग लगाता है, जब छलांग लगाता है ना शिकार करके ही लौट। और बहुत सारे डायलॉग जैसे वहां पर बहुत सारे दिखाएगा कि किसानों को किसान सुसाइड कर रहा है। क्या नोटिस नहीं रियलाइज करना था, पता नहीं कौन कौन किया, एक्चुअल में एसआर के उधर जो कैमरे के सामने बोल रहा था ना डेमोक्रेसी के बारे में, वो हमसे ही बोल रहा था भाई। एक्चुअल कैमरा वर्क हम लोग के साथ ही कनेक्ट किया उधर जेल में जो बोल रहा था डेमोक्रेसी के बारे में, उधर भी एक्टिंग लेवल देख, मतलब एकदम हम लोगों से ही बात कर रहा था, हम लोगों से ही कनेक्ट हुआ था। रियल ऑडियंस नहीं, रियल ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ। यस, वो मूवी पूरा ही एक्चुअली पूरा मूवी ठीक है कनेक्टेड है, ठीक है, जो लोग दर्शक है ठीक है थिएटर में जाकर देख रहे हैं, एक एक बंदे वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक एक बंदे से वो कनेक्ट है। जवान ने तो केजीएफ का भी एक सीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, केजीएफ में तो रॉकी भाई अपना बंदूक से बड़ी माँ से सिगरेट जलाया, और इधर भाई सिगार जला, पता है बाइक चेसिंग सीन में हिल के मतलब जूते के हिल से जो फ्लेक्स उठ रहा था उधर से सिगार उससे जला रहा था, ठीक है। तो गाइस वो सब सीन जो था ठीक है बहुत मजा आया, ठीक है, वो सब सीन में बहुत, लेकिन वैसे भी देखे जाए तो कि थिएटर में ऐसे भी बहुत सारे सीन्स पे पूरा थिएटर पिन ड्रॉप साइलेंस था, ठीक है, कोई भी शब्द नहीं ना, जहाँ पर कि ये दर्शाता है कि हम जो ऑडियंस है ना उस मूवी से बहुत ही कनेक्टेड। सबसे मजबूत पॉइंट था बैक स्टोरीज उसका, जब भी बैक स्टोरीज दिखाया किसी का, डॉक्टर वाला बोलो किसान वाला, और ये सब तो भाई रियल रियल इंसिडेंट है, ये सब रियल इंसिडेंट को वो जो मूवी था मूवी में लाया गया है, जो किसान ठीक है किसान कुछ साल पहले जाके देखो 2019-20 में ठीक है किसने 500-600 किसान ठीक है मारे गए, ठीक है। और डॉक्टर वाला सीन तो भाई 2017 वाला है, गोरखपुर में हुआ था वो, हाँ ऐसे कर। और प्रिया मणि का जो बैक स्टोरी है भोपाल वाला है, भोपाल हाँ, ऐसे बहुत सारे रियलिस्टिक सीन्स थे ठीक है जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा था। और लास्ट में जो एसआरके ने बोला ठीक है वो जो चुनावी जो बातें है कि अब जब दुकान में ठीक है एक मॉर्टिन का कॉयल खरीदने जाते हो तो पांच बहुत सारे सब 50 सवाल पूछते हो ठीक है कि ये नहीं ये धुआं देगा ज़्यादा ठीक है ये इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारा क्या क्या ठीक है, लेकिन 5 साल के लिए जब आप सरकार चुनते हो तब कुछ नहीं क्यों बोलते हो, एक सवाल भी नहीं क्यों करते हो। सो गाइस चलिए अब आते हैं एटली सर के बारे में, ठीक है, जो इस मूवी में डायरेक्शन दिया है। एटली के बारे में भाई क्या ही बोलूं, एटली बहुत कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर रहा है वो। उसका जो पहला फिल्म है राजा रानी भाई, हम लोग के इधर वेस्ट बंगाल में सुधु तोमारी जो वो वाला फिल्म है तो हाँ नहीं रीमेक था मतलब क्या उसका रीमेक ये लोगों ने किया सुधु तोमारी जो। उसके बाद आया थेरी मार्शल बिगिल जवान भाई, ये जवान इनका पांच नंबर फिल्म है लेकिन उन्होंने सब फिल्म ब्लॉकबस्टर बम्पर हिट दिया है, फिर भी उनको ऊपर मतलब उनको क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अगर जवान में एसआर के नहीं होता तो ये क्या 1000 करोड़ पार कर पाता। थेरी में मार्शल में बिगिल में अगर विजय थलपति विजय नहीं होता तो क्या वो मतलब ऑडियंस हिट होता 300-350 करोड़ पार होता। भाई पहला फिल्म भी जब उनका पहला फिल्म हुआ आर्या और नयनतारा के साथ बजट था शायद 25 करोड़ और कमाया था 84 करोड़ 84 करोड़ तो अच्छा ही बजट था। उसके बाद ही जब वो मतलब मैसिव हिट 150-200-250 करोड़ पार करते गया ना तो उनको ऊपर उंगली उठ, और सब कोई कहते हैं कि वो इंस्पायर्ड होके मतलब कोई फिल्म और किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होके बनाते हैं। जैसे मैं तेरा मेरा देखिए ठीक है मैं ये जो आपने बात बोला ना ठीक है इसमें मैं एकदम 100% बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि आप ठीक है आप किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होके ठीक है आप मूवी कर रहे हो। देख देख भाई लेकिन डायरेक्टर लोग का विजन होता है वो अपने अगर किसी से इंस्पायर्ड है तो उसमें अपना अलग सा एक विजन डाल के हम लोग को दिखा रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है और ऑडियंस तो पसंद कर रहा है ना कोई तो ऑडियंस तो जैसे 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 ओम राउत ने भी बना है आदिपुरुष वो देख रहा है तो अपना विजन उसका विजन किसी को पसंद आया नहीं आया गाली दिया। एटली को ये वाला मतलब एक डायरेक्टर का जो खास बात है वही है कि ये क्वेश्चन अगर कोई ऑडियंस करता तो मानता लेकिन क्रिटिक्स कर रहा है। एक डायरेक्टर का खास बात यही है कि आप
जो स्टोरी बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसका जो विजन क्या है आपके पास, ठीक है, विजन क्या है, ठीक है, आपके पास एक एक सीन का विजन क्या है आपके पास, जो एटली ने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक सीन देखो, थेरी देखा तो भाई, हाँ, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि एसआरके को इससे पहले किसी भी डायरेक्टर ने किसी भी फिल्म ने ऐसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। पहले तो इंट्रो सीन बोलो, सिर्फ वो खड़े है पहाड़ पे। मैंने क्या बोला था, मून नाइट का बाप, डार्कमैन का चाचा और डीसी मार्वल का फूफा लग रहा था पूरा, सिर्फ भाला लेकर खड़ा है मम्मी की तरह, फट गया था ना भाई। हाँ, पूरा 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 एक एक सीन देखो भाई। जवान में ये सुनने को मिल रहा है कि ट्रेन वाला सीन मनी हाइस से इंस्पायर्ड है, फिर पूरा पूरा जो स्टोरी प्लॉट वो द लायन किंग और सिम्बा मुफासिस से इंस्पायर्ड है, कुछ कुछ जगह आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड है। ये वाला थोड़ा सच होगा कि सीगर वाला सीन और रजनीकांत सर से इंस्पायर्ड है, तो क्या है अब, मतलब जब फिल्म चल जाती है, एक्टर्स चल जाता है, तब डायरेक्टर के ऊपर उंगली उठ जाता है। हाँ, तो आप लोग उंगली कर रहे हो, ठीक है, उंगली करो, ठीक है, वही जवान हर दिन 100 करोड़ से ऊपर। अरे कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने फैन के नहीं, हेटर्स की वजह से चलते हैं। हाँ, एटली उनमें से एक है भाई, क्योंकि भाई देख, एटली अभी कौन सा, मतलब 5 डायरेक्टर्स में आ गया जो 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस किया है, अगर हो जाए तो ये हो जाएगा आराम से। तो गाइस, और जो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, मैं ये 100% दावे से कह रहा हूँ कि जवान 2 आएगा। नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, कंफर्म जवान 2 आएगा, लिख के देता हूँ जवान 2 आएगा, ठीक है। और तो चलिए गाइस, यहीं पर ही खत्म करते हैं वीडियो और आज का, और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है, जवान जाओ 3-4 बार 5-6 बार जितना बार दिखना हो देख लो, पूरा एकदम फट जाएगा, ठीक है। और जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, एटली को, एसआरके को, करते रहो करते रहो करते रहो, बाय।